Around 40 workers are trapped inside a tunnel in Uttarakhand after part of the under construction structure actually collapsed yesterday. Now efforts are on to open the tunnel and rescue the trapped workers from the tunnel. But this tunnel is meant to connect Silkyara to Dandalgaon in Uttarakhand's Uttarkashi. It's being built under the Char Dham Road project and aims to reduce the journey from Uttarkashi to Yamunotri Dham by about 26 kilometers. Police have informed us that the incident occurred around 4 a.m. When a 150 meter long portion of that four and a half kilometer long tunnel actually collapsed, the rescue operations are being conducted by the State Disaster Relief Force, the NDRF, as well as the police. My colleague Kishore is tracking the latest developments for us as far as Uttarkashi is concerned. He joins us live with a quick update. Um, Kishore, what details can you report at the moment? We are being told that about a 150 meter portion needs to be cleared for the rescue efforts to carry on. आ बिल्कुल ये जो 40 मजदूर जो टनल में काम करते हुए लैंडस्लाइड हुआ था वो फंस गए थे 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है करीबन बाहर से 270 मीटर के अंदर की तरफ यानी टनल के अंदर की तरफ ये लैंडस्लाइड हुआ था और लगभग 50 मीटर के करीब ये बड़ा लैंड हुआ था जिसकी वजह से ये चालीस मजदूर अंदर फंसे हुए हैं लगातार काम चल रहा है और एक अच्छी जो खबर है और एक पॉजिटिव जो खबर है उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने फूड की डिमांड करी थी तो ऑक्सीजन जिस तरह से दिया जा रहा था उसी पाइप से उनको कुछ खाने का सामान दिया गया है वॉकी टॉकी से उनसे बात हुई है और उनसे पूछा गया कि उनकी हालत कैसी है तो उन्होंने बाहर जो लोग थे सुरक्षाकर्मी उनको जवाब दिया कि वो ठीक ठाक है और फूड की ज़रूर डिमांड करी थी तो उनको कुछ चने और या उसके अलावा कुछ नमकीन के पैकेट्स प्रेशर एयर प्रेशर के जरिए वहाँ तक पहुँचाया गया हालांकि उनकी जो वॉकी टॉकी थी उसकी बैटरियाँ ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट नहीं है ऐसे में तो उनको पाइप के ज़रिए वो कान लगा के बात कर रहे हैं और अपनी जो स्थिति है वो बता रहे हैं जो सी ओ उत्तरकाशी है उनसे हम हमारी बातचीत हुई थी उन्होंने जो जानकारी दी है उसमें कहा है कि पंद्रह से बीस मीटर तक उन्होंने जो लैंडस्लाइड का जो मलबा था उसको उन्होंने क्लियर कर दिया है लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है कि जैसे वो मलबा आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो वो मलबा ऊपर से तेजी से नीचे गिर रहा है लेकिन वो भी धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है और एक और अच्छी खबर यह है कि जल्द ही उनको इन्होंने कहा था कि उनको निकाल लेंगे आज दिन के दो दो बजे तक इंतज़ार करना होगा लेकिन जो आस की तमाम जो टनल्स में बना रही है फिर ऑल वेदर रोड्स में काम करने वाली तमाम जो बड़ी मशीनें हैं जेसीबी है, जेसी है लोड, लोडर है पोकलैंड मशीनें हैं उनको यहां पर बुलाया गया है और स्टैंड बाय में रखा गया है क्योंकि अगर एक मशीन खराब होती है तो दूसरी तुरंत वहां पे काम किया जा सके जैसी ये खबर लगी थी कि यह लोग फंस गए हैं तो उसके तुरंत ही यह ऑपरेशन शुरू किया गया और लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और पूरी रात भर ऑपरेशन चला लगातार वहाँ पे ट्रक्स मलबा लेके बाहर गिरा रहे थे और अंदर मशीनें काम कर रही थी अब लगातार इस बात पे आशा जगी है कि क्योंकि उनसे वो उनकी सेहत ठीक है उनसे बातचीत हो रही है उनको ऑक्सीजन पानी और फूड पहुँचाया गया है और जल्द ही उनको बाहर निकाला जाएगा